नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वो बायो बबल प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में फंसे पांचों भारतीय खिलाड़ियों का पूरा साथ देंगे। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पीटीआई से बात करते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले में पूरी तरह से साजिश की बू आ रही है। ये टीम इंडिया को अनसेटल करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बेहद खराब चाल है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों द्वारा बायो बबल को तोड़ने का मामला तब सामने आया जब एक वीडियो 2 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने मामले को हेडलाइन बना दिया और मामला काफी गंभीर नजर आने लगा। इसके बाद दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पांचों खिलाड़ी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ को लेकर जारी किया, जो इस घटना के बाद आइसोलेशन में हैं। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी और कहा कि ये सारे खिलाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे क्योंकि बारिश हो रही थी। इसके बाद ये खिलाड़ी उस रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि अगर तीसरे टेस्ट मैच से पहले की टीम इंडिया को अस्थिर करने की कोशिश है तो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बेहद खराब चाल है। उस अधिकारी ने आगे बात करते हुए कहा कि सबसे पहले कि उन्हें ट्रेनिंग करने की अनुमति दी गई है और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। बता दें, टीम इंडिया की तरफ से जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं हुआ है। भारतीय टीम के साथ जुड़े सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दूसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद ये ऑस्ट्रेलिया मीडिया द्वारा जानबूझकर मामले को उछालने की एक कोशिश है। अगले कुछ दिन टीम इंडिया के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि उन्हें तीसरे टेस्ट मैच के लिए सिडनी रवाना होना है। वहीं ये पाँचों खिलाड़ी तीसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं, ये 72 घंटों के अंदर पता चल जाएगा। टीम इंडिया को तीसरा टेस्ट मैच अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में 7 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।